12 सालों बाद 16 दिन का पड़ रहा पितृपक्ष श्राद्ध की तिथियां और जानकारी कितना है अशुभ ये श्राद्ध। श्राद्ध पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साल में हर वर्ष आश्विन मास में पितृपक्ष को श्राद्ध मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये इस बार अश्विन नक्षत्र में 16 दिन का 12 साल बाद पड़ रहा है। अमावस्या से सर्वथा पितृ अमावस्या होता है, इसी दिन ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। भारतीय संस्कृत में पितृऋण को एक विशेष स्थान दिया गया है। अपने पितरों का आभार प्रकट करना और उनका स्मरण करने के लिए पितृपक्ष हैं। इस समय में संतान अपने पितरों को तृप्त करती हैं और उनकी आत्माएं ना भटकी मोक्ष को प्राप्त हों, इसलिए श्राद्ध कर्म करके दान दक्षिणा देते हैं। जानकार बताते हैं कि इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर दिन शनिवार से शुरू होकर 25 सितंबर को पितृ विसर्जन होगा। 12 साल बाद इस बार 16 दिनों का श्राद्ध यानी पितृपक्ष हो रहा है, जिससे ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना गया है। 10 सितंबर को पूर्णिमा से श्राद्ध का कार्य शुरू हो जाएगा। 2011 में 16 दिन का पितृपक्ष था, जिसके बाद 16 दिनों के बाद अशांति का माहौल प्रतीत हुआ। अश्विन या अमावस्या यानी विष्णु सहस्रनाम, गजेंद्र मोक्ष और गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से पितरों के तर्पण और उनकी आत्मा को मुक्ति और सुख शांति मिलती है। पितृपक्ष में इस दिन 11:36 से 12:24 तक श्राद्ध करना उत्तम माना गया है। तत्व काल में धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि 8वें मुहूर्त में कृतित काल कहा जाता है और कृताप काल में अपने पितरों के लिए धूप डालकर अर्पण किया जाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा देकर इंसान के घर में सुख समृद्धि भरते हैं। अगर हम गौर करें किस दिन किस श्राद्ध का कर्म है, तो पहले दिन पूर्णिमा को प्रतिपदा श्राद्ध 10 सितंबर को होगा, जिस दिन सभी अकाल मृत्यु वाले लोगों को श्राद्ध दिया जाता है। दूसरे दिन श्राद्ध 11 सितंबर को, तीसरा श्राद्ध 12 सितंबर को, चौथा श्राद्ध 13 सितंबर को, पांचवा श्राद्ध 14 सितंबर को, छठा जो है 15 सितंबर, फिर 16, 17, 18, नौमी को मातु नौमी यानी बुढ़िया जिसे कहते हैं 19 सितंबर, और दसवीं 20 सितंबर, और 21 द्वादशी सितंबर, और द्वादशी 22 सितंबर को सन्यासी श्राद्ध के साथ साथ त्रयोदशी 23 सितंबर को, चतुर्थी 24 सितंबर को सर्वपितु अमावस्या या महामालय अमावस जिसे दिन देहातों में बुढ़वा के नाम से जाना जाता है 25 सितंबर को, इसी के साथ पितर विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न होते हैं। शुभ मुहूर्त की जानकारी नीचे चार्ट में दी गई है, कृपया पढ़कर समझने की कोशिश करें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत माता।